चार साल चार महीने छह दिन बाद आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला वैध है या अवैध, आज पूरा देश जान जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक पीठ पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी। पांच जजों की बेंच में सभी वरिष्ठ जज शामिल हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की वैधानिक को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला सुनाएगा। 5 अगस्त 2019 को संसद ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था, साथ ही राज्य को दो हिस्सों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दी गई थी। सभी को सुनने के बाद सितंबर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसले की घड़ी आ गई है, यानी 370 हटने के 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद आज सुप्रीम कोर्ट यह फैसला सुनाएगा कि केंद्र सरकार का फैसला सही था या गलत। सुप्रीम कोर्ट के पांच वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला अपने दिल्ली आवास से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसी फैसले पे आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम देखेंगे और बात करेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। इन सबके बीच सवाल ये है कि अनुच्छेद 370 अस्थाई हो गया है क्योंकि अनुच्छेद 370 में ही बदलाव करने के लिए संविधान सभा की सिफारिश की आवश्यकता थी, लेकिन 1957 में संविधान सभा ने काम करना बंद कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि संविधान सभा की अनुपस्थिति में केंद्र ने अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की भूमिका निभाई और राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से शक्तियों का प्रयोग किया। संविधान जम्मू कश्मीर के संदर्भ में किसी भी कानून के बदलाव करते समय राज्य सरकार की सहमति को अनिवार्य बनाता है। यह ध्यान में रखते हुए जब अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था तब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था और राज्य सरकार की कोई सहमति नहीं थी। इसके खिलाफ आज याचिका दायर किया गया है, आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना विधानसभा को भंग नहीं कर सकते। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि केंद्र ने जो किया है वह संवैधानिक रूप से स्वीकार नहीं है और अंतिम साधन को उचित नहीं ठहराता है। तो वहीं केंद्र ने तर्क दिया है कि संविधान के तहत निर्धारित उचित प्रक्रिया से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और केंद्र के पास राष्ट्रपति का आदेश जारी करने की शक्ति थी। केंद्र ने यह भी तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं ने जो आरोप लगाया है उसके विपरीत जिस तरीके से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था उसमें कोई संवैधानिक धोखाधड़ी नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने तर्क देते हुए कहा कि दो अलग अलग संवैधानिक अंग राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से जम्मू कश्मीर के संबंध में संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति रखते हैं। केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि यदि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त नहीं किया गया तो इसका पूर्ववर्ती राज्य में विनाशकारी प्रभाव हो सकता था। केंद्र ने तर्क देते हुए कहा कि पूर्ण एकीकरण के लिए विलय जरूरी था, अन्यथा यहां एक प्रकार की आंतरिक संप्रभुता मौजूद थी। केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी अनुच्छेद नहीं था और इसका मतलब संविधान में केवल एक अस्थायी प्रावधान था। केंद्र सरकार ने कहा कि हमने संविधान से कोई फ्रॉड नहीं किया। 370 हटने के बाद घाटी में अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। दशकों से वहां अशांति उथल पुथल का माहौल था, अब वो शांत हो गया है। केंद्र ने यह भी कहा कि कश्मीर अकेला राज्य नहीं है जिसका विलय शर्तों के साथ भारत संघ में हुआ। ऐसे सभी राज्यों की संप्रभुता को भारत की संप्रभुता में शामिल कर दिया गया था। कश्मीर के मामले में भी ऐसा ही किया गया है। वहीं याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, दुष्यंत दवे, गोपाल शंकर नारायण, जफर शाह। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमन, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, हरीश सालवे, राकेश द्विवेदी और वी गिरी मौजूद हैं। अब देखना यह होता है क्या कुछ फैसला आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। फैसले का हम भी इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही अन्य खबर को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।